सवाल इस बात को लेकर ये कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति 2014-2019 बमुश्किल 50 सीटें वो जीत पाई है। अगर वो भारत जोड़ो पर निकलती तो बीजेपी को परेशान होने की कोई जरूरत आपको दिखाई पड़ती है क्या? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को नए सिरे से खड़ी कर पाएगी, 200 सीटें आ पाएंगी? मतलब बीजेपी की जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स दिखाई पड़ रहा है वैसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस जो है वो शायद खड़ी ना हो जाए। देखिए, सीटों का तो मुझे नहीं पता, आप जिस तरह से सीटों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पदयात्राएं जो होती हैं, हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है चरे वेति, चलते रहिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, चलते रहिए। और यात्राएं जो हैं वो आपको देश को समझने में मदद करती हैं, ये गांधी ने समझाया हमारे को, गोपाल कृष्ण गोखले ने समझाया था। सत्ता को हिलाने में मदद करती हैं, ये भी गांधी की दांडी यात्रा से आपको समझ में आया होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से समझ में आया होगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो यात्राएं रही मौजूदा आजादी के इतिहास के बाद की, उसमें भी उनको बड़ी ताकत मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसमें चंद्रशेखर की यात्रा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा है, फिर आंध्र प्रदेश में NTR की यात्रा है, YSR की यात्रा है, फिर जगन रेड्डी की यात्रा है, देवीलाल जी की यात्रा हरियाणा में रही। तो ऐसी सभी यात्राएं जो सबसे बड़ा काम करती हैं वो ये करती हैं कि आपको पीपल्स कनेक्ट करती हैं, जनता के साथ जोड़ती हैं। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। अब ये सीटों में कितना कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ये तो अभी बहुत इनिशियल लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी कदम है, जिसका वो उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ इसको कि देर आए दुरुस्त आए भी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए क्या, जब भी कोई काम शुरू हो जाए तो उसे काम मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये नहीं होगी कि कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस एक्टिव हो रही है ये भी उसे परेशान करेगी, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं पिक्चर में। राहुल गांधी के जिस तरह से डैमेज किया गया इमेज के तौर पर, उसका जो है असर दिखाई दिया। अब वो डैमेज कंट्रोल हो रहा है इस यात्रा से, एक नई इमेज उनकी निकल कर आएगी, हालांकि अभी बहुत इनिशियल लेवल पर है। और जिन प्रदेशों से अभी निकली है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, और आगे जा रही है तेलंगाना में यहां, तो वो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से सीधे कन्फ्रंटेशन में नहीं आई है ये भारत जोड़ो यात्रा। वो कांग्रेस का एक तरह से, जैसे अभी अजय साहब ने भी जिक्र किया कि वो उनका डोमिनेंस वाला या उनकी ताकत वाला एक क्षेत्र है, और खासतौर से नॉन बीजेपी क्षेत्र है। तो जब वो ऊपर चलेंगे, उत्तर भारत की तरफ आएंगे, और वहां कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, तब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परेशानी हो सकती है या आश्वस्त हो सकती है, जो भी रेस्पॉन्स उसको मिले। लेकिन रेस्पॉन्स मिलता है यात्राएं जब होती हैं, क्योंकि लोग परेशान तो होते हैं, लोगों की कोई बात सुनने वाला हो और उन तक पहुंच जाए, ये इससे बेहतर बात हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई नहीं हो सकती। और आपका इतिहास जो है, हमारा हिंदुस्तान का इतिहास, जब भी हम यात्राओं पर निकले हैं तो वो किसी न किसी नतीजे तक पहुंचे, या तो सत्ता को बेदखल किया है, हम दांडी यात्रा को देखें, या सत्ता हासिल करने के लिए देखें लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को, ठीक है, या NTR की यात्रा को देखें, या YSR की यात्रा को देखें, या जगन रेड्डी की यात्रा को देखें, तो ये सब यात्राएं कुछ ना कुछ नतीजे तक पहुंचती हैं। कितने नतीजे तक पहुंचेंगी ये उस यात्रा की सफलता पर। और अगर राहुल गांधी, मैं समझता हूँ यदि वो 150 दिन लगातार चलते रहें, बीच बीच में दिल्ली आने का मोह ना करें या कोई और राजनीतिक एक्टिविटीज का मोह ना करें, तो मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ खुद भी एक नए राहुल गांधी देश को मिल सकते हैं। इसका जिक्र मैं छोटा सा ऐसा कर देता हूं कि पौराणिक काल को यदि हम देखें, राम का जिक्र हम लोग करते हैं, राम ने यात्रा नहीं की थी, लेकिन वनवास पर जब वो गए, तो जब गए थे तो वो युवराज थे, और 14 साल बाद जब वो लौटे, जब उन्होंने आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद वो श्री राम हो गए। मैं राहुल को श्री राहुल नहीं बना रहा हूं, लेकिन यात्राएं जो है वो एक नया तजुर्बा भी देती हैं, नई छवि भी देती हैं, और आपको खुद को भी समझने में मदद करती हैं। और जैसा बात हो रही है कि राहुल गांधी को पहले करना चाहिए था या कांग्रेस को जोड़ना चाहिए था, मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं, ये पैरेलल एक्सरसाइज है। यदि ये सफल हो गया तो कांग्रेस भी जग सकती है और राहुल गांधी की लीडरशिप भी थोड़ी ज्यादा मजबूत हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।